Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number 10 motion. Motion गति जो होती है and measurement नाप तोल जो करते हैं हम of distance जो दूरियां होती है जो फासले होते हैं उसका माप तोल बताया गया है यहाँ पर motion and measurement of distances. Long ago पहले के जमाने में क्या है people did not have एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लोगों के पास क्या है जो अभी के ट्रांसपोर्ट हैं जो होते हैं अभी पहले जमाने में नहीं थे ऐसे जो चीज वाहन के साधन हुआ करते थे. दे वो क्या यूज करते थे दे यूज टू मूव एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ओनली ऑन फुट चलकर जाते थे एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन देयर बैक और जो सामान होते थे उनको काहे उस किस पे लेकर जाते थे कमर पर लाद कर ले जाते थे या तो और एन ऑन एनिमल्स और क्या है या तो फिर एनिमल्स पर डालकर ले जाते थे. फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रूट से भी क्या है माल सामान भेजा जाता था. बोट्स वेर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव any means of transport. They used to move only on foot and carry goods either on their back or on animals. For transport along water routes, boats were used from ancient times. लोग क्या है जो माल सामान जो है वो किसके द्वारा पहुंचाते थे लेकर जाते थे जो वाटर रूट्स के द्वारा बोट्स वेर यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम जो पुराने जमाने में लोग चीजों का इस्तेमाल करते थे. इन्वेंशन जो शोध हुई ऑफ द व्हील पहिए की शोध हुई जब से क्या है मेड अ ग्रेट चेंज क्या है जबरदस्त चेंजेस आ गई है इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मालवान माल की जो माल है माल सामान का जो वो होता है माल सामान ले जाने और लाने में बहुत इजी हो गया है. कब से जब से इन्वेंशन हुई है व्हील की. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन जो स्टीम इंजन है इनकी क्या है इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी. रेल रोड्स वेर मेड फॉर स्टीम इंजिन ड्राइवन कैरेजेस एंड वोगन्स. लेटर केम उसके बाद क्या आया उसके बाद आया है लेटर केम ऑटोमोबाइल्स के मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वेर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. इसके बाद चेंजेस होती गई एक के बाद एक ऑटोमोबाइल्स आए मोटराइज्ड बोट्स और शिप्स वेर यूज कर होने लगे एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट क्या है आसान होता गया. द अर्ली ईयर्स ऑफ 900 सो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन क्या है उसके बाद है 1900 में क्या है एरोप्लेन के भी डेवलपमेंट हो गया. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो इलेक्ट्रिक से चलती है ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स मोनोरेल सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th century. 20th century में चीजों की क्या है ईजाद हो गई सेंचुरी कंट्रीब्यूशंस. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स मोनोरेल सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th century कंट्रीब्यूशंस इन एंशियंट टाइम्स. जो पुराने जमाने में पीपल यूज्ड लेंथ जो लंबाई मापते थे ऑफ ए फुट स्टेप पैरों के जो स्टेप से मापते थे लेंथ ऑफ हैंड स्पन द डिस्टेंस
बिटवीन द टिप ऑफ द थंब, थंब से एंड लिटिल फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट थे, यूनिट थे, मेजरमेंट के यूनिट थे, दिस कॉज्ड कन्फ्यूजन, इससे क्या होता था, कन्फ्यूजन होता था, लोग मुंझवण में पड़ जाते थे, एंड अ नीड टू डेवलप अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अरोज। नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम आती गई ऑफ यूनिट, एस आई से यूनिट बोलते हैं, दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में इसका क्या लोगों ने इसको माना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मीटर इज द एस आई यूनिट ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। मीटर क्या है, एस आई यूनिट बनना लेंथ का, और जो सेंटीमीटर और मिलीमीटर जो छोटी ही यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट्स, आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। ईच मीटर एम इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर, सीएमबी बोलते हैं हम उसे। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर एमएम, थस इसलिए क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, माप तोल के लिए क्या है, जो बड़े दूर के जो फासले होते हैं उनके लिए क्या है, मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट, वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज कॉल्ड किलोमीटर, इसको KM बोलते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। वी यूज अ थ्रेड, जो दूरी होती है, टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड लाइन, जो बाकी जो लाइन होती है कॉर्ड लाइन के लिए क्या यूज करते थे, दूरी से माप करते थे लेंथ, एज ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। द मेन टाइप्स ऑफ मोशन आर, कितने टाइप की मोशन है, गति कितने प्रकार की है, ये क्या है, रेक्टिलाइनर मोशन, कर्विलाइनर मोशन, एंड 3 सर्क्यूलर मोशन, एंड 4 पीरियोडिक मोशन। नाउ वी कम ऑन टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। आंसर, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, जो जमीन पर जो चलने वाले ट्रांसपोर्ट हैं वो हैं बस, स्कूटर, ट्रेन। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन वाटर, जो वाटर पर चलते हैं, वाटर का जो इसका होता है वाहन व्यवहार का जो मोड्स होता है वो है बोट, शिप, एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन एयर, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। नाउ क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो वी राइट हियर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1000 मीटर, तो यहाँ पर होगा 5000 मीटर, 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर। नंबर 3, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग
झूले पर जो बच्चा बैठता है वो गति कैसी गति होगी. मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज कौन सी गति होती है. पीरियोडिक क्या होगी, पीरियोडिक मोशन कहलाएगी. यहाँ लिखेंगे पीरियोडिक मोशन फॉर मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए सोइंग मशीन जो होती है उसकी जो नीडल की जो होती है उसकी गति को क्या कहते हैं. तो मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ सोइंग मशीन इज क्या कहलाएगा, यहाँ पीरियोडिक मोशन ही कहलाएगा. यहाँ लिखेंगे पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ द व्हील जो पहिया घूमता है ऑफ अ साइकिल बाइसिकल का जो घूमता है वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन. और गोल घूमता है पहिया तो क्या कहलाएगी, गति सर्कुलर, गोलाकार गति कहलाती है तो सर्कुलर मोशन. नाउ वी कम से एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन. हमें क्या है, चूज करना है करेक्ट अल्टरनेटिव जो नीचे दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर वन, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज यूज बाय मैन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी. जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या यूज करता था, ए एनिमल्स, बी स्टीम इंजन, सी मोटर बोट एंड डी ऑटोमोबाइल. अवर राइट आंसर इज ए एनिमल्स. तो एनिमल्स को क्या है, ट्रांसपोर्टेशन वॉज यूज, तो यहाँ लिखेंगे एनिमल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, यूज बाय मैन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी. वी राइट ए एनिमल्स. नंबर टू, विच टाइप ऑफ रेलवे इंजिन्स वेर इन्वेंटेड इन द बिगनिंग. कौन सा टाइप का रेलवे इंजिन जो है वो इन्वेंटेड हुआ था, शोध हुई थी इन द बिगनिंग जो शुरुआत में. तो विच टाइप ऑफ रेलवे इंजिन्स वेर इन्वेंटेड इन द बिगनिंग, ए स्टीम इंजिन, बी इलेक्ट्रिक इंजिन, सी डीजल इंजिन एंड डी मोनोरेल. राइट आंसर इज स्टीम इंजिन. तो व्हाट टाइप ऑफ रेलवे इंजिन्स, स्टीम इंजिन्स वेर इन्वेंटेड इन द बिगनिंग. नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बिफोर द 20th सेंचुरी, ए स्पेसक्राफ्ट, बी इलेक्ट्रिक ट्रेन, सी मोनोरेल एंड डी गुड्स ट्रेन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड, पहले जो 20th सेंचुरी के पहले लिखे गुड्स ट्रेन, जो माल माल सामान जो ले जाती है ट्रेन उसे बोलते हैं गुड्स ट्रेन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स ट्रेन वॉज इन्वेंटेड बिफोर द 20th सेंचुरी. नंबर फोर, हाउ मेनी मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो हाउ मेनी मीटर्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. तो हाउ मेनी मीटर्स इज इक्वल, वी राइट हियर 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. अवर राइट आंसर इज सी 1000. नंबर फाइव, हाउ मेनी मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो क्या होगा, अपना राइट आंसर है 10. 10 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ. स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, हमें जो लेंथ की हम माप तोल करते हैं उसका लेंथ लंबाई का कौन सा यूनिट है. ए लेंथ ऑफ हैंड, बी स्पन ऑफ फिंगर्स, जो हम हाथ से फिंगर से स्पन लेते हैं,
सी विड्थ ऑफ फिंगर एंड डी मीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट ये सब क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है बट क्या है, मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ। अवर राइट आंसर इज डी मीटर। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, अब यहाँ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ का कौन सा है, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ए मीटर, बी किलोमीटर, सी सेंटीमीटर एंड डी मिलीमीटर। अब राइट आंसर सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है वो है किलोमीटर। तो राइट ईयर किलोमीटर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ लेंथ इज स्मॉलर देन अ सेंटीमीटर? जो दिए गए हैं फोर ऑप्शन में से वो कौन सा है यूनिट है जो लेंथ स्मॉलर सेंटीमीटर से भी छोटा है? ए मिलीमीटर, बी मीटर, सी किलोमीटर एंड डी डेसीमीटर। अवर राइट आंसर इज मिलीमीटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग तो लिखेंगे मिलीमीटर इज स्मॉलर देन अ सेंटीमीटर। नंबर 9, विच इज द स्टैंडर्ड डिवाइस टू मेजर लेंथ? विच इज द स्टैंडर्ड डिवाइस कौन सा है जो मेजर लेंथ को मापने का? ए कंपास बॉक्स, बी प्रोटेक्टर, सी मीटर स्केल, डी सेट स्क्वायर। अवर राइट आंसर इज मीटर स्केल। मीटर स्केल डिवाइस टू मेजर लेंथ, रेंज का नाम लिख देंगे मीटर स्केल मेजर टू मेजर लेंथ। नंबर 10, विच इज अ प्रैक्टिकल यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज? दो शहरों के बीच की जो हम डिस्टेंस मापने के लिए हमें कौन सा यूनिट का यूज करेंगे हम, कौन सा है? विच इज द प्रैक्टिकल यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज? ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर एंड डी किलोमीटर। यह है सबसे जो है जो प्रैक्टिकल यूनिट है मेजरमेंट करने का बिटवीन टू सिटीज, वो है किलोमीटर। नंबर 11, व्हाट इज यूज्ड टू मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री? ए मेटल स्केल, बी टेप मेजर, सी स्केल फ्रॉम कंपास बॉक्स, डी प्लास्टिक स्केल। अवर राइट आंसर इज टेप मेजर। नंबर 12, व्हाट डज द टेलर यूज टू टेक मेजरमेंट ऑफ योर बॉडी? टेलर होता है जो हमारे जो कपड़े जो सिलाते हैं उसके जो उसका मेजरमेंट करता है, तो वो किसका यूज करता है? ए मेटल स्केल, बी टेप मेजर, सी प्लास्टिक स्केल, डी स्केल। तो क्या उसके पास होती है? टेप मेजर होती है, उससे वो क्या करता है? टू टेक मेजरमेंट ऑफ आवर बॉडी। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर The length of a curved line, जो होती है राउंड में होती है, curved line होती है, उसको कैसे यूज करते हैं? ए मीटर स्केल, बी थ्रेड, सी हैंड स्पन, डी फिंगर। राइट आंसर इज थ्रेड, दोरी। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज इन मोशन? ए टेबल, बी सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, सी पोल एंड डी कपबोर्ड। राइट आंसर इज बी सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक।
नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन, नीचे दी गई ये गति में से मोशन में से इज एग्जीक्यूटेड बाय अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, जैसे झाड़ पर से जो फ्रूट नीचे गिरता है वो कौन सी उसकी मोशन होती है। ए है रेक्टिलाइनियर मोशन, बी क्वाड मोशन, सी सर्कुलर मोशन एंड डी पीरियोडिक मोशन। अब राइट आंसर इज रेक्टिलाइनियर, सीधा ही गिरता लाइन में, इसको बोलते हैं रेक्टिलाइनियर मोशन। तो हम लिखेंगे रेक्टिलाइनियर मोशन इज एग्जीक्यूटेड बाय अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच। नंबर 16, व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन एग्जीक्यूटेड बाय द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, जो फैन घूमता है हमारे घर में वो कौन सी मोशन होती है उसकी, जो उसकी ब्लेड्स होती है जो पंखड़ी होती है वो घूमती है। तो ए में है रेक्टिलाइनियर, रेक्टिलाइनियर मोशन भी नहीं, सीधा नहीं होता है। बी क्वाड मोशन भी नहीं, सी सर्कुलर मोशन एंड डी नन ऑफ दीज। और राइट देखते हैं, गोल घूमता है सर्कुलर, तो हम उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। कैसी गति होती है इसकी, गोलाकार गति होती है, तो वो है सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन, तो हम यहाँ लिखेंगे सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूटेड बाय द ब्लेड्स ऑफ अ फैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, इन्वेंशन जो शोध हुई है ऑफ द व्हील, पहिए की जो इन्वेंशन हो गई है, जब उसकी शोध होने के बाद क्या है, मेड अ ग्रेट चेंज, क्या है वो इसमें, तो फर्क आया है इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। राइट हियर व्हील, इसकी शोध से जो है चेंज हुआ है इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, इसमें क्या है उसके लिए लिखेंगे व्हील। नंबर 2, अ ट्रेन रनिंग, जो ट्रेन चलती है ऑन सिंगल रेल इज कॉल्ड, जो सिंगल होती है उसे बोलते हैं मोनो रेल। अ ट्रेन रनिंग ऑन सिंगल रेल इज कॉल्ड मोनो रेल। नंबर 3, इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग जो शुरुआत में, द व्हील्स ऑफ अ बुल्लॉक, बुल्लॉक कार्ट वेयर मेड ऑफ वुड, किसके बनते थे, लकड़ी के बनते हैं, बनते थे इन द बिगिनिंग, शुरुआत में द व्हील्स जो होते थे बुल्लॉक कार्ट के वो किसके बनते थे, लकड़ी के, वेयर मेड ऑफ वुड। नंबर 4, मीटर इज द एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है ऑफ लेंथ, तो मीटर, राइट हियर मीटर। नंबर 5, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। नंबर 6, द रीडिंग्स ऑन द स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक आर 1.0 सेंटीमीटर एंड 9.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ द बुक इज 8.8 सेंटीमीटर, यानी है 9.8 - 1.0 करेंगे तो व्हाट इज द आंसर, 8.8 सेंटीमीटर। 7, द लेंथ ऑफ योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक इज मेजर्ड इन द यूनिट सेंटीमीटर्स, हम क्या है जो हमारे मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक है उसको कैसे उसके उसको मापेंगे, सेंटीमीटर यूनिट से हम मापेंगे। तो द लेंथ ऑफ योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक इज मेजर्ड इन द यूनिट सेंटीमीटर्स। नंबर 8, द यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई इज किलोमीटर, किससे यूज क्या करेंगे उसके लिए, किलोमीटर्स का स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करेंगे। नंबर 9, द यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द विंडो, जो हमारी बारी है उसकी लंबाई मापने के लिए, ऑफ योर क्लासरूम, हमारे क्लासरूम की क्या यूज करेंगे, इज मीटर्स। 9, द यूनिट ऑफ लेंथ
used to measure the length of the window of your classroom is meters. Number 10, the minute hand of a clock executes क्या बताता है, circular motion. देखते हो जो minute hand होता है वो क्या है, घूमता रहता है circular में, वन से आता है फिर क्या डायरेक्ट कहाँ जाता है, 12 राउंड में घूमता है, तो होगी कैसी मोशन है, सर्कुलर मोशन. नंबर 11, द पेंडुलम जो क्लॉक जो उसका लोलक होता है घड़ी का वो घूमता रहता है, उसको कौन सी मोशन होगी, वो द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक एग्जीक्यूट्स पीरियोडिक मोशन. क्वेश्चन 3, गिव ओनली आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. गिव ओनली खाली हमें आंसर लिखना है, हमें ओनली आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज्ड टू ट्रैवल अलोंग वाटर रूट्स इन एंशियंट टाइम्स. हम जो है एंशियंट टाइम जब जो पुराने जमाने में हम क्या है माल सामान के लिए वाटर रूट से कौन सी चीज का इस्तेमाल करते थे, तो हम लिखेंगे बोट. तो विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज टू ट्रेवल अलोंग वाटर रूट्स इन एंशियंट टाइम्स, सो आवर आंसर इज बोट. नंबर 2, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज फॉर एयर ट्रैवल एट एरोप्लेन, जो ट्रांसपोर्ट जो करते हैं यूज करते हैं उसके लिए फॉर एयर, एयर में तो हम क्या है फॉर एयर ट्रैवल के लिए क्या यूज करते हैं, एरोप्लेन. विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज फॉर एयर ट्रैवल, यू राइट द आंसर एरोप्लेन. नंबर 3, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ स्केल इन सेंटीमीटर वी हैव इन आवर कंपास बॉक्स, कितने तक के होते हैं उसमें स्केल नंबर कितने तक के लिखे होते हैं, अपनी जो हम स्केल जो यूज करते हैं कंपास बॉक्स की उसमें कितने नंबर कितने होते हैं सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ स्केल इन सेंटीमीटर वी हैव इन आवर कंपास बॉक्स, सो वी राइट द आंसर 15 सेंटीमीटर. नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम क्रिएटेड बाय द फ्रेंच इन 1790, तो है मैट्रिक सिस्टम. What is the name? The लिखेंगे metric system of the standard unit system created by the French in 1790. Number 5, what are the planes that travel at the speed more than that of sound called है सुपर सोनिक. तो व्हाट आर दी प्लान्स प्लान्स दैट ट्रैवल करता है एट द स्पीड मोर देन दैट ऑफ साउंड कॉल्ड, लिखेंगे सुपर सोनिक प्लान्स. नंबर 6, विच यूनिट रिप्रेजेंट्स द 100th पार्ट ऑफ अ मीटर, क्या लिखेंगे सेंटीमीटर. तो क्या विच यूनिट रिप्रेजेंट्स दी 100th पार्ट ऑफ अ मीटर, तो है सेंटीमीटर. नंबर 7, विच यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज्ड टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो लंबे जो फासले के लिए कौन सा यूनिट हम करेंगे ना माप के लिए लंबाई मापने के लिए, तो लिखेंगे किलोमीटर्स. विच यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज्ड टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस,
We write kilometers. Which unit of length is used to measure the length of the playground of your school? कौन सा यूनिट हम यूज करेंगे लंबाई मापने के लिए? मेजर द लेंथ ऑफ द जो प्ले ग्राउंड है, जो हमारा खेल का मैदान है, ऑफ योर अपने स्कूल का, तो हम किस कौन सा यूनिट से इसको लंबाई मापेंगे? तो हम लिखेंगे मीटर. क्या लिखेंगे? मीटर. तो मीटर इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड ऑफ आवर स्कूल. नंबर 9, कन्वर्ट करना है हमें 2.5 मीटर इनटू सेंटीमीटर. हम क्या करेंगे, हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो हम तो कन्वर्ट 2.5 मीटर इनटू सेंटीमीटर से कितने होंगे? 250 सेंटीमीटर्स. नंबर 10, कन्वर्ट 4.075 किलोमीटर्स इनटू मीटर्स. हम क्या करेंगे, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4000 सेंट. क्या होगा? 4075 मीटर.